बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे, सब कुछ था उसके पास। फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया, अब कभी भी धन की कमी तो नहीं आएगी और धन के अलावा भी मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। बस अब बचे कुचे जीवन में मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस आदमी ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाने से की, पर बहुत सारे मंदिर बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब मुझे बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उस आदमी ने बहुत से तीर्थ स्थलों की यात्रा की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए और उस आदमी को ईश्वर कहीं नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूं, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो आदमी बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो आदमी आश्चर्य से भरकर वहां से चला गया। वो सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वो आदमी भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई पर मोती नहीं मिला। वो आदमी परेशान हो गया और फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था, ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वो मोती कुटिया के अंदर देखा था। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है बुद्ध? अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने उसे कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं।
अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी वाणी सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए कहा कि मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं।